आज हम खेलने वाले हैं अपना राजी एंशिएंट एपिक, और थोड़ी देर खेलेंगे, शॉर्ट स्ट्रीम रहेगा ये। कंटिन्यू करते हैं अपना गेम। तो अच्छा, हम किले में आ चुके हैं। पहले तो दूर गए थे, पहला चैप्टर खत्म कर लिया था हमने। तो देवी दुर्गा, इतनी जल्दी ऐसा मत सोचिए। अगर महाबाला सूरज जीता तो आगे जाकर क्या ही बदलेगा? आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं है। उठो, उठो, क्या तुम सो रहे हो? ओ भाई, यहाँ के पहरेदारों को तो मार दिया है प्रोफेसर ने। ये एबिलिटी तो सेलेक्ट कर ले। यहाँ का काम ही हो गया।
कभी कभी मुझे लगता है कि आप मानवो से प्रेम करने लगी है। सभ्यताएं बनती है और फिर मिटती है। मैं असुरों को जीतने नहीं दूंगी और ना ही वो सन की रहस्यवाणी जो उनका मुखिया है। जो उसने भूमि देवी के साथ किया वो बहुत बुरा था। अब महाबल असुर के इरादे कौन जानता है। खाना पक रहा है लेकिन खाने वाले अब नहीं है। देखते हैं आगे बढ़ेंगे। जयधर का किला मानवों द्वारा बनाया गया और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। बचाव बहुत मजबूत है। अब और जीवों से उसका सामना होगा। क्या उसे पता है कि वो पीछा कर रही है? मैं भी महाबालासुर के मन की बात नहीं बता सकता। अब मुझे कमजोर मत समझना।
गेम के स्टोरी में बहुत मजा है इसका। ये गेम प्ले वगैरह तो ओके ठीक ठीक है वैसे। मुझ जैसे गेमर जिस प्रकार के गेम खेलते हैं उस हिसाब से तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है। आपको भी ट्राई करना चाहिए अगर कोई दिख रहा है। एक उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता है मौत मिल गई। ठीक है ये क्या हुआ? गेम का ही कुछ ग्लिच था, मुझे मरवा दिया है और वापस ले आया। माँ दुर्गा ने हमें बचाया गेम की चीटिंग से। चमत्कार है, ये जरूर देवताओं का अस्त्र है। धन्यवाद अच्छा जो मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। भगवान विष्णु जी ने हमें ये त्रिवेदी मुझे बहुत धनुष हैरानी है दिया। भगवान विष्णु, आपका धनुष बहुत अच्छा उपहार है। इन कांटों को संतुलन में होना चाहिए, है ना? लड़की ने अपना ही नाम पा लिया है। अच्छा उससे दिव्य बाण निकलते हैं। इससे रैपिड फायर होता है।
तो हम अब स्विच कर सकते हैं त्रिशूल और उसके, मुझे त्रिशूल ही पसंद है। माना कि अच्छा कोई ऊपर से टक्कर दे रहा है, देखो सामने थोड़ा चल। खुद के ऊपर नहीं मार सकते काली माँ, जय काली माँ। कहाँ ले गए गुल्लू को? चल यही है, यही वो जगह है जहाँ वो गाड़ियाँ भी गए थे। खोलो खोलो, मुझे अंदर आने दो। कुछ नहीं, मैं अब क्या करूँ? Thank you.
मेरे साथ लोग, हाँ ऐसा ही करना है लोग। ओ बाओ, या मारने में बहुत मजा आता है तो। एक और मंडल, बीते हुए कल की एक और झलक। ये तो करना ही पड़ेगा जाके, वो मेरी पजल लगाने के बाद भी।
तो पहले बता देते ना भाई, इसके हिसाब से उभार की जो लाइन है वो थोड़ा दिखना पड़ता है, मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन गेम होके भी यहाँ पर रेट्रेसिंग का सपोर्ट है, बहुत अच्छा खासा रेट्रेसिंग का इफेक्ट दिखता है। बच्चों को किसने बंदी बनाया? उनका मकसद क्या था? अगर राजी को सच्चाई पता होती, तो वो आसानी से हार मान जाती। क्योंकि वो असुर बहुत बेरहम है और स्वर्ग खतरे में है। ये अजीब है ना, कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का, जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? मैं तो नहीं। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। अच्छा, ये ऐसे दबा के रखने पे। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है।
उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं पराशक्ति हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। दूसरा विवर आ गए। नहीं नहीं मरा नहीं मैं बेटा। सरस्वती माँ ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। यहीं से ऊपर जाना। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव जो बुराई के विनाशक, दूसरा हिस्सा आप है देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी। शक्ति या फिर महिषासुर मर्दिनी जिसको कहते हैं उसके बारे में ही है। अच्छा ऐसे जाना था, मैं भी डर गया था यार, खुद छलांग लगानी है क्या खाई में। अच्छा नहीं, गेम को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, उसका कोई नहीं। गोलू को ले जा रहे हैं और हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। ऐसा क्या है जो वे चाहते हैं? देखता हूँ क्या चाहते हैं। चल पटक पटक के मारो साले। आजा साले गटर के हो गए। इनको प्रणाम करते हैं, अमृत मिल जाएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये धनुष किसी ज्यादा काम का नहीं लगा। ओ भाई ये क्या था?
कभी कभी होती है प्यार से चीजें, उसके मकसद मुझे भी को नहीं पता। शक्ति मिलती है। वो बहुत पावरफुल अटैक था, लेकिन ये लेफ्ट क्लिक से हुआ था तो। सीखना पड़ेगा इनके बारे में। शायद ये जो चीजें हैं ना, ये हमें वो स्पेशल अटैक करने की पावर देती है। अच्छा, ओके। वैसे यहाँ पे सेव भी हो जाएगा। तुमसे जो भी चाहते हैं, मेरे रास्ते में जो भी आएगा, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ छोटे भाई। वो मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं कसम खाती हूँ। बुराई के लिए यहाँ कोई
दुर्गा माता। माँ दुर्गा का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। वो हमेशा से आपके साथ रही है और वो सही है। आप इसके बारे में बहुत सोचती है। वो जरूरी है, उससे दुनिया के मानवों को बहुत उम्मीद है। मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। है ना कि इतनी सुंदर और नक्काशी वाली जगह को युद्ध के किले के रूप में बनाया जाना। युद्ध वो साधन है जो उन्हें दुनिया को बदलने के लिए दिए गए हैं। वे केवल उतना ही आदर करते हैं जितना जरूरी है। युद्ध ही एक रास्ता नहीं है। मिल गया, वो गोलू था। असुरों को वो क्यों चाहिए? इन जीवों ने अंधेरे के मंडल को बुलाया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया था। राजी उन्हें रोकने के लिए भागी, लेकिन असुरों के मुखिया ने उसका रास्ता रोक दिया और अचानक गोलू गायब हो गया। ओ भाई, बहुत तगड़ा असर लगा। ओ भाई, क्या क्या ही है।
मार दिया साले को। हाँ पिछवाड़े में भुग दिया। चल असुर हार गया। बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे, लेकिन अंधेरों के मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी। शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी। और तभी रहस्यवादी आए। उन्होंने राजी का शरीर उठाया और बहा दिया। जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया। उसके भाई के साथ कौन था? वे क्या चाहते थे? वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था और इसके लिए अपनी जान दी थी। लेकिन अब वहां के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ। रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी। तो हम नई जगह पे आ चुके हैं। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था? ओह, मेरे भाई, तुम बहुत पास थे। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा मांग लिया? ये तो समय ही बताएगा। विष्णु कुछ बताते ही नहीं है, लेकिन ठीक है, गेम का डिजाइन है। जाने दो, एक चैप्टर कंप्लीट किया है हम लोगों ने, तो दोबारा मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई देखने के लिए। जल्दी स्टोरी।